You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। साइबर सिक्योरिटी फर्म वॉर्न करती है यूजर्स को यूनिस्वैप फिशिंग स्कैम के बारे में, जो कि फॉल्स एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है। 1.5 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को लास्ट 24 आवर्स में बर्न कर दिया गया। $598 मिलियन के इथेरियम अभी भी अपडेटेड विड्रॉल क्रेडेंशियल्स पर वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट के अनुसार। कार्डानो मैसिव बूम के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क पर व्हेल्स की एक्टिविटी हीटअप होती है। एक माइल्ड नेटवर्क ड्रॉबैक में लिक्विडेशंस ने $170 मिलियन को हिट कर दिया है। बिटकॉइन $30,000 की प्राइस मार्क को मेंटेन करता है। कैस्परस्काय रिपोर्ट करता है कि एक साल में क्रिप्टो फिशिंग अटैक्स 40% से इंक्रीज हो गए हैं। बेबी डॉज कॉइन 20% से सोर करता है नए एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद। आर्बिट्रम का 700 मिलियन एआरबी टोकन्स को रिटर्न करने का प्रपोजल ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ फेल होता है। शिबीरिम का पप्पी नेट टेस्टनेट मैसिव इंटरेस्ट दिखाता है 5.8 मिलियन वॉलेट्स के साथ और 3.2 मिलियन ट्रांजैक्शंस के साथ। जेबीडी बिटनॉप के साथ पार्टनरशिप में अफ्रीकन गेमर्स को बीटीसी के साथ रिवॉर्ड करती है। हांगकांग का सबसे बड़ा वर्चुअल लेंडर एजेड बैंक क्रिप्टो कन्वर्जन सर्विसेज शुरू करेगा। डूको के लॉयर्स को $7 मिलियन मिले थे टेरा के कोलैप्स के पहले, रिपोर्ट के अनुसार। एक नई डेवलपमेंट में साइबर सिक्योरिटी कंपनी पेकशील्ड आईएनसी ने एक अलर्ट रेस किया है एक फिशिंग अकाउंट के बारे में, जो कि यूनिस्वैप के एक्सप्लॉइट के बारे में फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और उसे एज अ फिशिंग अटैक यूज कर रहा है। पिछले 24 घंटों में टोटल 1.5 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया गया 12 अलग अलग ट्रांजेक्शन में। ये डेटा शिपबर्न वेबसाइट द्वारा रिपोर्ट किया गया। चेंगाई अपग्रेड के 4 दिन बाद अभी भी 100,000 वैलिडेटर्स है, जो कि जिन्हें अपडेट करना जरूरी है अगर वो नेटवर्क को लीव करना चाहते हैं। डेवलपर्स ने वापस ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि $252 बिलियन में से स्वैप करना इजी है। कार्डानो नेटवर्क पर एक्टिविटी में राइज देखा गया है ग्रोइंग नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन के साथ। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म इनटू द ब्लॉक के डेटा के अनुसार कार्डानो पर लास्ट ट्रांजेक्शन की संख्या 4730 हो चुकी है, जो कि 7 डे का हाई दर्शाता है। क्रिप्टो मार्केट में $170 मिलियन का लिक्विडेशन देखा गया है पिछले 24 घंटों में, जबकि ये एक छोटा ड्रॉबैक है। इथेरियम और बिटकॉइन ने अपनी प्राइसेस को $30,000 और $2,000 रिस्पेक्टिवली के ऊपर रखना जारी रखा है। एनालिटिक्स ने नोट किया है कि इथेरियम का शैपिला अपग्रेड क्रिप्टो मार्केट में पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट किया है। कैस्परस्काय, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसके रिपोर्ट से यह पता चलता है कि एक साल में फिशिंग अटैक्स की संख्या 40% से बढ़ गई है। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है राइजिंग ट्रेंड, जिसमें कि डिजिटल एसेट्स एक्सप्लॉइट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं उनकी होल्डिंग्स को स्टील करने के लिए। बेबी डॉज कॉइन, जो कि एक पॉपुलर मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसी है, उसने 20% का सर्ज देखा है, जबकि उसने अनाउंस किया है कि ये टॉप 5 एक्सचेंजेस में से एक में लिस्ट होने वाला है। कॉन्ट्रोवर्शियल आर्बिट्रम इंप्रूवमेंट प्रपोजल, जो कि 700 मिलियन एआरबी गवर्नेंस टोकन रिटर्न करने वाला था, वो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ फेल हुआ है। आर्बिट्रियम गवर्नेंस टोकन का प्राइस पिछले 24 घंटों में 8% से अधिक बढ़ चुका है।